बहुत बढ़िया, आप लोग महाभारत से प्रसंग सुने। अब यह महाभारत आगे कहां बढ़ता, पांचों पांडव जुआ में हार गए, यहां तक पता चलत है सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है। दुशासन जौने समय सारी खींचत रहा, जो समय दुशासन पांचों पांडव जुआ में हारा रहे, सारी खींचत खींचत बड़का भैया यहां तक लोग आकाशवाणी में बताएं, कहो मास्टर साहब आ चक्कर आए कि गिर गया, समझ नहीं पास कि सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है, सारी बीच कौन सा कारखाना कन्हैया जी खोले रहे हैं। यही बात कह के है द्वारकाधीश लाज बचाओ, अनियारे मत टहरत जात जाया, या बड़े कन्हियारे टहरबत के मैं कह दे के जा चौका ले उठा लिया तो बेलना हाथे से पकड़ाई से, कहता चाहे बावलो सुनता चाहे विराहक मतलब है तो दर्द। सुने वाले बड़का भैया जीवा में पांचों पांडव हार गए, 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल के लिए गुप्त वनवास हुआ कि अगर 1 साल में पता चल जाए तो फिर 12 साल आपके वनवास करे के पड़े। कभी ने लिखा भाव स्वर्द मुन्ना हाये मोरे रामा मोरे राम ए भोले जोगिया हो हुआ बनवास, कहने लगे पारो पारो से एक दिन देखू गबीरन में ताकत तुम्हारी, फूलों की धारा धरती पे बहती दोनों तरफ से सेना जाके ललकारी, गिरधारी अर्जुन का बन करके रथवान रणनीति से रहे दुश्मन सिधाए, अर घोन घार आक्रमण किए जब दिजोधान, बनवारी जाकर के किया रख रे। बड़का भैया पांचों पांडव 12 साल तो वनवास बिताए ले, 1 साल के लिए जब गुप्त वनवास हुआ सोचे कि हमारा वचन का समय तो बीत जाए, लेकिन है जौन पंचलिया बा, पंचलिया के माने द्रौपदी, जौन द्रौपदी द्वारकाधीश से कहता कि महाराज इज्जत रख, आ सभा बीच में हमारी इज्जत रखे, लेकिन हम पचे करी अब का करी। पांचों भाई मन में विचारत थे तो एक लाइन दादा वाली तर्ज लग मार साहब का भी रहा, कि एक बात मोरी सजनी गठिया चुनरिया में लचकाए की गाते हैं, कहा एक बात मोरी सजनी गठियाई चुनरिया में, कहा बिना पैसा तो बिक जइबू माया के बजरिया में।
भैया इस संसार है नासवान शरीर बह है। इस संसार में बताया गया है कि जब तक सांसा बत तब तक आशा बजन दिना सांसा खत्म हो दिना आशा खत्म। लेकिन बिरह में साहेब भाव है का कि पांचों पांडव है मन में बिचारे कहां किसके सहारे रहेंगे। साथ लेकर द्रौपदी नारी साल भर हम कष्ट को सहेंगे। पांच भैया 12 साल का वनवास 1 साल का गुप्त वनवास हुआ। सुनने वाले मित्र पहुंचे कहां? गंगा के किनारे व्यास मुनि महाराज अपन कथा वार्ता करत हैं। तब तक पांचों भैया पहुंचत हैं। व्यास मुनि महाराज से आपन अपन अर्ज सुनावत हैं और चरण छुए जात हैं। चरण छू के आप बीती बात बतावत हैं। बतावत कहां मास्टर साहब बिरहा में टेरी के बोल ला का कहा यार बेचारी बन में काट दीनवा रामा 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 यार मोर रामा बेचारी बन में काट दीनवा। जय हो जय हो भैया चली द्रौपदी नारी बेचारी बन में काटई दिनवा पहुंच गया गंगा के किनारे। व्यास मुनि महाराज अपन कथा वार्ता करत भैया भैया पंचाली भी साथ में बा आप बीती बात बताओ। तब व्यास मुनि महाराज कहते कस कहां से आगमन हुआ राजन? महाराज ये देखा हमारे अर्जुन भैया है नकुल भैया है हमारे सहदेव हन धर्मराज हन हमारा नाम भीम बा पंचाली है। हम लोग 12 साल वनवास किया जुआ में हार गए हैं महाराज। पांच भाई का 1 साल के लिए गुप्त वनवास लिखा गया है। 12 साल तो वनवास बीत गया। यही बताया गया कि अगर जो साल भरे में पता चल जाए तो फिर 12 साल वनवास फिर आप लोगों के करे के पड़े। व्यास मुनि महाराज कथा वार्ता अपन बंद कई के पांचों भाई की एक जगह बैठाए के ठीक बात कहते कहत हन का बिरहा में बड़ी रंगीन तर्जल के मास्टर साहब दुलहिन रही। अरे बाप रे बहुत सजी बजी रही बड़ी छटवार रही ससुरे गई। एक हफ्ता के बाद पर के आए तो सखी सहेलिन से कहत है हाँ सखी सहेली पूछा था कारे राम दैया का हाल तो रहे कहा दीदी हाल चाल तो ठीक है रहा लेकिन एक बात बा का बात बा है तो लहिन कहत का बा कहा सैया कहा सैया मिले मोहे हलका भगवान कसा
सन के जनबे करे थे सखी सहेली जब मिलत है तरचकी और चढ़ाई बढ़ाई की बोलत है कहा रामदेवी तू कैसन कहत है कहा हाँ दीदी सही कहत है कहा अरे सैया मिले मोहे हल्का भगवान कसम ए सखी से चलो नहीं मलका भगवान कसम पचे मजा अपने में ले लिया कहा पचे कुमार समय है भाई भाई हाँ सपोर्ट का बात नहीं है भाई है हमारे लेकिन बिरहा में साहेब भाव है सा पांचों भाई बैठा हैं धर्मराज बैठा हैं अर्जुन बैठा हैं भीम बैठा हैं नकुल बैठा हैं सहदेव बैठा हैं और बगल में बेचारी पंचाली भी बैठी बा यहाँ बड़े की 12 साल वनवास से मास्टर साहब काट चुका है 1 साल किए के लिए ज्ञातवास हुआ है ये हमें पता चल जाए तो फिर 12 साल वनवास करे के पड़ी अच्छा बैठा हन व्यास मुनि महाराज कहत हन का कहत हन बोले मुनि जी धीरे धीरे सब खाई कसा पहुंचे नदिया के तीरे सब खाई चिंता जिन कर ठीक है ये मालिक कृपा है आपन सोचा होत नहीं हर सोचा तत्काल अब बल कहन जावे आकाश चला गए ये परमात्मा का देन है मालिक की मर्जी है हर इंसान का हर जगह पर परीक्षा होता है होता है व्यास मुनि महाराज कहत हन का चिंता जिन कर एक काम कर हा महाराज का करी पांचों भाई हाथ जोड़ के बाबू साहब वही गंगा के किनारे बैठा है बड़का भैया व्यास मुनि महाराज कहता नहीं एक आप लोगों के काम कर रहा हूँ काम महाराज काम करना बह काम ना कहे पहले अपन नाम और बदल दीजे जतिया सब खाई कसा नाम चिन्नू प्रसाद चोट कतो सब कहाँ सब बेस बोला था जो चक्कर में तो उनसे बोला बेस बोला था और का बेस बोला माइक लगे साला बोला माइक सही है कितना खुद ही हेलो हमार कितना है का रूम करे आ तू जा रहा है 318 में हम जानते ही है अच्छा सट के बोले यो मो जानता तू कि माइक नहीं लगा वो कुल साउंड है और जितना सट के बोलबो उतना ही आनंद पाऊबे ई बहादुर माइक सोचता है खुद युवा बताए से दूरी बना के आए हैं हम का जटे कहत हन सब में बेस है भैया व्यास मुनि महाराज पांचों भाई के कहा पास में बैठा है कहा राजन ठीक है 12 साल का वनवास
वनवास हुआ है, एक साल का गुप्त वनवास हुआ है, लेकिन एक काम करे के बहे आप लोगों के महाराज का करे के बहे, अपन अपन नाव अपन अपन जाति बदलना बदलना पड़ेगा। महाराज कैसे मतलब आप तो खुद ही जानन हार है, आप महात्मा है, यही बड़े आपके पास आए हो, कोई मिलावटी बात नहीं मेरे दोस्त। बिरहा गहराई के बाद बिरहा का मतलब होता है दर्द, अगर बिरहा का निचोड़ नहीं निकला तो उसे मतलब कुछ नहीं हो सकत, यही होता है बिरहा का। मार साहब तब व्यास मुनि महाराज कहत हन, दोनों पांचों भाई हाथ उठाए के कहते कि महाराज आप खेवन हार है, आप जौन चहब आप नाम बदल सकत है। व्यास मुनि महाराज कहत हन का कहत हन, गंगा किनारे वह कंक नाम धर्म का जयंत नाम भीम का, प्रिहलाय अर्जुन सैनिक सहदेव का, बाहु नकुल है अखीरे सफाई कसा, पांचों भाई हाथ जोड़ के खड़ा हन, कहा कंक नाम धर्मराज का जयंत नाम भीम का, बृहला अर्जुन सैनिक सहदेव बाहुल नकुल, हाँ पांचों जने के नाम यह है। और चला जा जा राजा विराट के हिया, साल भर हुई नौकरी करत जा जा, और अपन अपन भेष भूषा छुपा जोन धनुष मान ले है एक समी वृक्ष के ऊपर छिपाई दे जा जा, और अपन अपन भेष भूषा बदल के चला जा, बस साल भर एक दिन कटिया तोहरो पचन का, और तोहर पचन का टाइम ही बीत जाए क्यों जान न पाए। कहा महाराज ठीक है, लेकिन जोन है वो लरी ब्यास पंचाली के पंचाली महाराज हम आप मान लो ठीक है बदल तो देव नमो, लेकिन जो नो लरी भाई अच्छा ठीक है हुक नाम बताए का बताए विराह में क्लाइंट तल लगे मास्टर साहब का बहुत बढ़िया आप लोग सुनो का कहा यार हाय हाय स्वर्गीय जनाब हैदर चचा गाओ तक काय हाय हाय, अरे झकोरा मारई झुलनी वही साड़ी लहराई हो झकोरा मारई, लेकिन हमारे कतिया कब को गाओ दे काय बनाओ बुहरु खैनी बनाओ दादा खैनी, सुनो बुढ़ऊ दादा बनाओ तानी खैनी, यही तर्जिया के दादा हमारे गाँव तरन का पिया परदेसिया, अरे बालम परदेसिया लवट के नाहिया दुल्हा परदेसिया, शैलेंद्री के नाम रखत हन का कहत हन व्यास मुनि महाराज
कहे बालक जयंत हिया हो प्रहला हिया हो। हाँ महाराज कहे इनका जब जाय राजा विराट किया तो कौने नाम से बोला कहा महाराज कौने नाम से बड़का भैया कहत हमका वह द्रौपदी के नाम तो सलेंदारी धराए द्रौपदी का नाम तो समी वृक्ष ऊपर कुल छुपाए धनुष बनावा समी वृक्ष ऊपर छुपाया धनुष बनवा असमी वृक्ष ऊपर कुल छुपाया धनुष बनवा राजा विराट जी के जाके करी है नौकरनवा। अच्छा महाराज ठीक है कहा महाराज अच्छा इनका सलेंदरी कब कहा हाँ ठीक है जा ले आए गन बड़का भैया सलेंदरी कहत कि पांचों भाई पहुंचे समी ब्रिज के आगे पेड़ रहा वही पहुंचे धनुष और बाण जितना रहा है प्रहला हरण का जयंत हरण का अर्जुन हरण का यानी कि सब जने के पांचों भाई का लगन अखनी कपड़ा में गठियान गठियाए के बाद वही समी ब्रिज के पेड़े पर टांग दे टांगे के बाद जौन जयंत जौन भीम रहे एक मुर्दा बहुत चला जाता रहा वही मुर्दो पकड़ के लयन हुक गठियान गठियाए के बाद वही समी ब्रिज के ढरिया पर लटकाए के और ससुर का हिलत रहे तो जाने लोग सोचे कि यहाँ भूत है क्यों हमारा औजार हथियार हाँ छुए न जाकर राजा विराट कहीं अपन विपदा सुनाए सुना कहा कस किधर से आए हो कहा हमारा नाम जयंत है कहा जयंत कहा आप क्या करते कहा महाराज जैसन भोजन बनाए दे न टेस्टदार भीम जेकर जयंत नाम रहा कहा ऐसा भोजन बनाए दे कि टेस्टदार की तू जान ल की कराही चाट जब कहा आप कहा महाराज हमारा नाम प्रहला बहर है कहा आपका कहा महाराज जौन गाना जौन नाच नाच दे कि दुनिया में केव ऐसा नहीं कह सकता धर्मराज के जब कह कह आप कहा से कहा नहीं साथे हम हो महाराज हम इतना बढ़िया कथा सुनाई दे श्री 108 श्री हरिद्वार से ये तो कथा हाँ नकुल कहा बच्ची आप कहाँ से कहे हमारे भाई कर रही है ना कहे महाराज हम घोड़ा वोड़ा के गाय वही के बहुत बढ़िया सेवा कई तो खवाई पियाई दे ना सवेरे 2 लीटर दूबत संध्या के 2.5 लीटर दूब कहा बाबा नकुल के कहे तू कैसे कहा महाराज हम इतना बड़ा शौकीन है ये घुड़सवारी के कि एक दाइन लगाम पकड़ी था तो 4-6 किलोमीटर तक लगाम छोड़ के दौड़ाई थी कहे बस बस यही की जरूरत है कहे ई कौन जो नहीं रहा है कहे महाराज ई हमारे पचन का संग होई भाई हमारे पचन का संग होई सथोई है आ महाराज हम पचे आपके सेवा सत्कार कर कम से कम नहीं बात तोहरे मलकिन के सेवा मलकिन जौन है राज आपका दुल्हन रानी साहिबा उनकर सेवा सत्कार करी ठीक है दासी काम करी नौकरी सबके लग गवा बा सब अपन अपन काम करत हन धर्मराज के नंबर आवत मास्टर साहब कथा सुनावत हो तब धर्मराज कहत का है न काना कहा धर्मराज हम तो धर्म के पुजारी कहा धर्मराज सतजुक बात बताई सुन महाराज हो अब कथा के माध्यम से परमात्मा के दिखाई सुन महाराज हो महाराज हो कहे भगती के छोड़ा खाली बात भंडार महाराज हो कहे धर्मराज हम तो धर्म के पुजारी ऐसा है आज कौन दिन है
कहा महाराजा तो सब मारा है। कहा ठीक है, कल आपको कथा सुनाना है। अच्छा महाराज ठीक है। कहा आप ब्रेला? कहा हाँ महाराज। कहा आपका कर? कहा महाराज जौन नाच नाच दे और जौन गाना गाय दे, कोईसन के नाच गाय नहीं सके। ठीक है तोहरे नंबर, जब जयंत का नंबर आई हो मास्टर साहब, तब भीम का कहा था? कहा महाराज हम टेस्टदार भोजन बनाए तो ना। ठीक है चला रसोई में, चला आप रसोई में काम कर। औरत दासी के काम करत है? हाँ इतना दासी बन के आई बहना काम करता। गते गते सबका ड्यूटी लग गया बड़का भैया, गते गते एक महीना डेढ़ महीना बीत के तब होत का वीर हम आगे भाव होत का। कह देवर के दूर दूर ना हो कई लू, देवर के दूर दूर ना सुनावत है ना धर्मराज। और हर ब्रिहला जोन रहे ना एक दिना दू दिना भजन नाच गाना सुनान, यहर जयंत जोन भोजन पानी बनावत है ना, सब टेस्टदार भोजन ओजन करत है ना, कुल्हर जोन है घोड़सवारी करत है ना, सब अपन अपन ड्यूटी कर रहा है। जो सैलेंदरी रहे उदासी के रूप बनाए के खम महारानी के भाई सब सेवा सत्कार करता है, भोजन ले जाए धोती पछारे पैर और दबावता। और वही समय वही डेढ़ महीना के बीच में कीचक कसार राजा विराट का सार, सॉरी कीचक सार, कीचक सारे आएगे जब देखे से एक दिन आई बहनी हुए भोजन वोजन के जलपान उलपान के है, जब कीचक कहा दीदी ये कौन बाल है? का, 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 का? अरे ये कौन माल है? कहां? अरे राजा विराट मन न रंगा रंगा है जोगी के पड़ा करीवा खजाब करके बाहर रंगे है, दाढ़ी हेरत था माल है उम्र में। अच्छा वो कहता था हाँ वह दही के भरोसे चूना जीन चाटे ये मुंह खवाइया रहे। क्या कहता? कीचक कीचक कहता। हाँ जब जलपान और पाल के खाना होना खास कहे दीदी दीदी ई औरत कहाँ से आई बा? राजा विराट का दुल्हन कहा कि भैया जवन पांच अठनी नौकरे हैं ना वही के संगे यह दासी आया। कीचक कहे दीदी जावे तो रहे लेकिन आज सोचत है काक दीना और टिक जाई और रुक जाई बिहान से जो यहाँ देखा बाबू साहब पाखी के मरे के रहते तो पंखा जरत है बिरा कीचक कहा तो हमारा सब बिरा में भाव है। बहनी से बोले बतिया दे बतिया ना हो
हम आज जाबे रहे लेकिन आज न जाबे सोचे थे काग दिना और रहिले और बहनी और लोग आवत था तो सोहा में काग दू दिना मास्टर साहब रहत है ना आप काही बरे भाई बहनी और है और लोग बहनी और आवत था तो लोग कहत हम ससुरारी आई है ई ध्यान दैले है हां मजा ले बरे काही बरे कि आनंद पानी ले बरे लोगी नहीं कहत के पने दीदी कहीं आई है या तब तक कह रहे के बुल्लू का तनी ले ला बलमुआ हम के को बरह बरिसवा कर हली उमरिया लागल वही टिकोरा तनी ले लो बलमुआ हमके कोरा भैया हो ओ कीचक कहा था कि दीदी हम अबे रहोया ठीक है भैया एक दिना बीत गए मास्टर साहब लेकिन दूसरे दिना कहना हुआ बिरहा में का यार तू आई है तो ठीक बात का तो काम कहत है का मोर भैया अच्छा ई भाई तू समझे हम ना कुछ कहबे तो का कहां अच्छा जोन ध्यान हुए वापस करो यहां वो कहां रजिस्ट्री वापस हो पाई अब भैया हो कहां कहां कीचक का बहिनी की कीचक का है कहे कर जोरी अच्छा ठीक बा एक दिना बीत गए दूसरे दिना कीचक मदिरा उदिरा पी के मास्टर साहब आए पहुंचा जहां सैलेंडरी अपने सैन कक्ष में रही है आ परेशान करे ना भाई साहब सैलेंडरी जब सुबह हुआ जाए के जयंत जहां भोजन बनावत रहन भीम का बा जकरे पांच पांठनी मनछे धू और जकरे दस हाथ हजार हाथी के बल ते करे पत्नी कितना बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है आ अपमान किया जा रहा है लगी रो भीम का है सलेंदरी रो मत ठीक है बात का है सलेंदरी आप बीती बात बताओ ना कह सैन कच्छ में आराम करत रहे हैं राजा विराट के साला शराब और आप पी के आए हैं वाने करके हमारे संगे बहुत बड़ा हमका दुख देश रात सोई नहीं थे आ बताओ हम आप का करी ऐसे अच्छा बताओ से अच्छा तो मौत कर ले तो लेकिन ये पांच पांच जने का हम प्रेम समझ के सोचा कि जीना मरना एक साथ है अच्छा ठीक है सलेंदरी रो मत आज अपने गोने वाली चुनरी हम दे दे ते हमारे सैन कक्ष में चली जाए हम तोहरे सैन कक्ष में चली जाए ठीक है बाबू साहब दूसरे दिन कीचक मदिरा उदिरा अपन सेवन ओन करके दारू पी के सोचे कि एक दिन तो गड़बड़ान काम के जाने दूसरे दिन दासी ते आए अजुए तलहान हमार बैठी जाए अजुए तरम जनवा कमाई मिलन बहन अजुए देखावे
ओठंगी बा खबर उहानी है अजियो थमाल लहान रंजनवा के माई से फिटई हुई जाई। अब हम नहीं कहते के कहता कीचक कहता लहान भाई लहान बैठा हुआ तहां काम का प्रसाद। भाई साहब दारू और पी के मास्टर साहब रात में भोजन वजन काई के बानी वानी गयो सब खा चुका है। कीचक पर उपचा भोजन वजन कई के सूता पर गए। बस सूता जब परे के बाद कीचक सोचा था कि हमर जाई की लांग बहुत तो हम भूल जाई आ। और भीम राजा सलेंदरी के गौने वाली चुनरी पहिरे एक हाथ घुघुट काट के बेडरूम पर बैठा है इंतजार करत है। तब होत का बयाल हक भाम कहना हुआ क्या कि अरे मधुरी जबानिया से बोल भीम भैया सुनत तनी प्यारी रच के बतिया तैयार है एक हाथ घुघुट काढ़े हैं ना बड़का भैया। तब तक कीचक पहुंच गया बाहर है भोजन वोजन करके पहुंचा सोचत के हमूर जाए के हमूर जाए सोचत थी जहाँ काल गया है वहीं आज जाए के घर पे लहान भाई भैया फिर सवेरे हमें घरे जाए के बाहर है। वह कीचक भवाना वहां में पहुंचे जब कहाँ आओ तुम्हारे पास उम्र में ये फाने हैं। कीचक कह रहा कि आओ मेरे बाहों में भैया। कीचक नशा में भरपूर बह है ऐसे हाथ उठाओ तब ही मैं एक हाथ घुघटा काढ़े हैं। है आओ राजा आओ मेरी जान आओ आओ है राव हमारे लगवा आओ। कीचक सोचे कि हम तो नशा में ही है लेकिन आज काम लागत बन जाए। बड़का भैया तब करत का बाह किचन मास्टर साहब का घुस जा भवाना हमें किचन जब दीवाना काढ़े हैं ना सलेंदरी के द्रौपदी के साड़ी गौने वाली एकदम पहिरे हैं ना चुन्नट इतना काढ़े हैं ना एकदम घुघट कहे आव राजा आव। दोनों जने जब लगे पास में तब पहुंचे थे तो होत कब मास्टर साहब वह बहिया में भीम जब तब लगतैया दबान दबाए के बाद भाई साहब मारे लागे जब अपने किहुना से कीचक तीन किहुना मारे सारे के जब किहुना से मारे तो मुंह से निकुरा के खून फेंक गया। ओहे हे ठिकुनवा रहा है चढ़ के चल जा जब हम चल लागे सीना पर तब निकुरा की काने के सारे के खून निकल चालू हो अजीब है तना निकल गए। जब जीव निकल गए तब भीम कर पहन आगे तो भरे ना सीना हो मेरे निकावा पांच
5 मिनट के बाद भीम देखे सांस आवता कि नहीं। जब सांस खत्म हो गई चुप्पे से केवाड़ी भीम बंद कई के चला गए अपने कक्ष में, शयन कक्ष में सोएं सवेर भवा सब उठ गए, सब उठ गए। राजा विराट सबके देखा था, कहा सब तो उठा हमार सरवा जो की कहा गए उतार नहीं देखा तो वो कहा बा है बर्दवानी में छोड़ बा उसार बा कहा दूठ नौकरान कहा हुजूर सब तो उठा हन लेकिन आपका साला न बोलता नहीं डोलता नहीं लता कहा यहाँ राजा विराट कहा क्यों न उठाए पाई बस जनतवा जो मुटका भोजन बनाओ तही भर उठा सकत जाइए आप भीम गण अपन कहरत कहरत गण देखें भीम देखें तो सारे के निकुरा की आँखी की काने की खून बहरा कहा सरकार क्षमा कहे आपके साला बिल्कुल भूल डुल कहा मारा सार तो ठीक है लेकिन एक सारे कैसे हो के लैके जाई जाई तब राजा विराट अपने मन में विचार करे लगे कि अरे बाप रे मरा तो ठीक सार मरा आई के बहनी अभी लेकिन एका के ले जाए के अंतिम संस्कार करी राजा विराट कहा बस वही मुटका ले जाई भोजन बोलता भोजन वाला जौन भोजन हुआ बनाओ तो मुटका जौन बहुत सार बोलता है यही सार ले जाई ले जाई मैं तोरी काका हन ना यह रिश्ता है बड़ी पिटाई करब अच्छा ठीक है भैया हो टिट्ठी उठी के तैयारी हो लाग भीम जब लेके राजा विराट के सारे के मास्टर साहब कीचक के जब चल दे तो 99 भाई के खबर पाएगी कीचक के 99 भाई जो राजा विराट के 99 सार है संदेश दिया गया कि आपका भाई कीचक मारा गया चला अंतिम संस्कार में आप लोग वही गंगा के किनारे सम्मिलित हो बड़का भैया हो जब 99 भाई पहुंचे था तो बिरहा आखिरी लाइन में हो तो पंधारी दादा का का कि अरे मरने के बाद कीचक के मरने के बाद चारों तरफ मुमाई हो कर ले खबर ए भैया चारों तरफ मुमाई हो कर ले खबर भाई आए हैं गंगा के किनारे और भीम उठाए के लाश कीचक लेके पहुंचे चिता लग गवा चिता लगवा पंडित वेद मंत्रोच्चार के साथ पाठ पढ़ के कहन आगी लगा हुआ आगी लगा और आगी लगा दिया गवा जो 99 आए हैं वह भीम 99 का टंगिया पकड़ के चितवे में फेंकब चालू के कहा सर उधर तू पचे कहे बरे आई है विदा करे बरे आई है खेल के आई है तू कहे बरे आई है तो हो पचे आओ यार फेंकब चालू के जो 99 रहन हुई अगिये मनोनो को फेंक दिए 99 हुआ एक कीचक सब उही जर के राख हो गए जो पंडितवा कर रहा है भीम ओकर जिभिया है पकड़ के ऐठ दे हाँ जो नहीं बताए ने पावे राजा विराट पास भीम जिभिया ऐठ दे तो पंडितवा आवत है कहा राजा विराट क्या पंडित जी हमारा साला जो कीचक मरा उसका अंतिम संस्कार ठीक ठाक हुआ कि नहीं पंडितवा कल भीम से कहा जानते क्या कह रहे हैं जानते कहा है महाराज यही कहत हैं कि हम और भीम भैया पकड़त रहे जो तो 99 सार रहे भाई के प्यार में
अपने आप जर के मर गए, तुहारो साथ मरे रहा की चकवा, लेकिन 99 और मर गए। पंडित जी बताओ, यह पंडित जी बताओ था। अरे भीम जी पंडित जी लागे तुल तुलायो, मरने के बाद चार तरफ मुमायो, मरने के बाद हो मरने के बाद चार तरफ मुमायो, भैया। राजा विराट बहुत दुखित हुए और जो 12 साल वनवास, 1 साल का गुप्त वनवास हुआ, पांचों पांडव बड़े प्रेम से काटे। आप लोग लिखे हैं और महाभारत में लिखा गया, इतिहास में लिखा गया कि गए हरि चंद धदी पदली पगए पृथ्वीबान को नहीं जाना, बाली रहे बलवान रहे जकरे खरीद शशि से समाना, छत्रपति दुर्योधन गए जिन पारथ से महाभारत दगा, किसी का सगा नहीं, न मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया आरो उसका उजरा घर देखो, गलत काम करबे तो परमात्मा आपके स्वयं दुख देंगे। ये मालिक के लिखी बात है और हर जगह मालिक के यहाँ यही लिखा गया है कि सत्य का हमेशा जीत होता है। बड़का भैया आखिर में पांचों पांडव लड़ाई जब छिड़ी रही है, आप लोग महाभारत में देखे हो पांचों भैया जब जुआ में हार गए, कहे हमें कम से कम 5 गांव दे देते, हम पचे गुजर और बसर कर देते, लेकिन एक और कहा सुई के नोख बराबर न दे, बिना लड़ाई के सुई के नोख बराबर न देव। आखिर में कौरव मारा गन, कीचे खरे मारा गन, दुशासन हरे चला गन, पांचों भैया राज किए कि नहीं किए। सत्य का मास्टर सा हमेशा जीत होता है, कभी न लिखा का लिखता राम सुमेर तू क्या, सतगुरु